ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकता है सबके लिए, कृपया ईयरफोन यूज करें। 34,600 रेप केस इन दिल्ली, 6 रेप केस इन अ डे। क्यों, आखिर क्यों होता है ये सब? लेट्स टॉक अबाउट दैट। गुस्सा हम सब के अंदर है, कोई फेसबुक पे पोस्ट डाल के गुस्सा निकल रहा है, तो कोई कैंडल मार्च करके गुस्सा निकल रहा है, और मैं ये वीडियो बना के गुस्सा निकाल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझ में भी डर है, कहीं ना कहीं मुझ में भी वो गुस्सा है। मेरे भी बहन है, मेरे भी दोस्त हैं, किसी को मैं पॉइंट आउट नहीं करके बोल रहा हूँ। ये एक जनरल डिस्कशन है जिसके बारे में सबको पता है पर कोई बात करना नहीं चाहता। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर केस। शायद मैं ये वीडियो बनाते वक्त ही इंडिया में कहीं ना कहीं 2-4 और रेप केस दर्ज हो जा चुके होंगे। जो प्रियंका रेड्डी केस है और जो निर्भया केस है, उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, पर उनके केस लेके हम कुछ स्टडीज कर सकते हैं जो कि आगे जाके कितनों की लाइफ बचा जा सकता है। जो मैं सामने देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, उसको लेके मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं और आज की इस वीडियो में हम उस पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। फिर इंडिया में इतना रेप क्यों, क्या है इसका कारण, चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। सेक्स इज जस्ट ए वर्ड, जैसे कि हम हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट बोलते हैं, वैसे सेक्स एक 3-लेटर वर्ड है। पर सेक्स का नाम इंडिया में इतना बदनाम है कि जब बच्चा बड़ा होता जाता है, सेक्स को एक नेगेटिव वे में वो देखता है, फिर जाके कहीं ना कहीं वो जो क्यूरियोसिटी रहता है वो आगे जाके बाहर निकलता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ रेप। पॉइंट टू, वायरल वीडियोस। इंटरनेट में इतना वायरल वीडियोस है जिसको देख के बच्चों का जो क्यूरियोसिटी लेवल होता है वो और भी बढ़ जाता है, उनको कुछ करने का बढ़ावा दे देता है ये वायरल वीडियोस, जो कि आगे जाके मे बी इन द फॉर्म ऑफ रेप केस वो बाहर आता है। पॉइंट थ्री, गलत संगत। अगर आपके लाइफ में एक अच्छा दोस्त हो तो वो आपको गलत क्या है सही क्या है वो समझा जा सकता है। आपके लाइफ में गलत दोस्त बन जाए वो भी आपको उसकाता है ऐसे गलत चीज़ करने के लिए, जो कि इन द फॉर्म ऑफ क्राइम आ जाता है। अगर कोई ये तीनों पॉइंट को देख के इस काम से दूर रह जाता है, फिर भी एक चौथा पॉइंट है इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, वो है शराब, जिसे लेने के बाद इंसान इंसानियत भूल के हैवान बन जाता है और वो अपनी भूख मिटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। सो मेरा ये सजेशन रहेगा मीडिया वालों को कि अगर आप एक रेप केस को 100 बार हाईलाइट करते हैं ना, जब दंड मिलता है उसको 300 बार हाईलाइट कीजिए, क्योंकि अभी सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया है कि सबके मन में है कि रेप केस का विक्टिम को न्याय नहीं मिलता है। अगर रेप केस को 100 बार हाईलाइट करते हैं तो जब सजा मिलता है तो उसको भी 300 बार हाईलाइट कीजिए, ताकि देखने वालों को एक डर रहेगा कि हम ये जो 5 मिनट की गलती के लिए हमको क्या सज़ा मिलेगा, तो वो डर होना ज़रूरी है। और जो फिल्म मेकर्स है, प्लीज़ अगर आप एक रेप केस को फिल्म में दिखाते हैं तो प्लीज़ उस रेप केस के बाद जो सज़ा मिलता है उसको भी दिखाइए, ताकि लोगों की जो नेगेटिव माइंड है वो थोड़ा चेंज होगा, तभी जाके शायद पूरा रेप बंद नहीं होगा पर रेप का जो रेट है वो थोड़ा कम हो सकता है। ये था मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस और जो मैं देख रहा हूँ उसको मैंने डिस्क्राइब किया है। शायद ही मैं गलत हूँ, शायद ही मैं अच्छे से बोल नहीं पाया हूँ, पर कहीं ना कहीं ये सोच सबके अंदर है, सब इसको रियलाइज़ करते हैं और सब बोलना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उनको रोक रहा है ये बोलने से, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें अगर ये बोले तो बाहर के लोग क्या बोलेंगे हमको। कि मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उसके बाद मुझे शायद बहुत सारा ट्रोल आए, कमेंट्स आए कि क्यों ये बना रहा है, क्यों तेरा कुछ काम नहीं है क्या। भाई और बहनों, ये मेरा मैटर नहीं है, ये सबका मैटर है। शायद भगवान ना करे आपके साथ कभी ऐसा हो, पर जिसके साथ हुआ है और जो इस सिचुएशन में जा रहा है उसको पता है ये कितना दर्दनाक सिचुएशन है। और सो विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो तो शेयर कर दीजिए, लोगों के पास पहुंचाइए, आगे जाके ये जो रेप रेट है इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। और बी सेफ ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई सिस्टर्स, किसी को आँख बंद करके भरोसा मत कीजिए।